नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। दोस्तों, अगर आपने भी यहां पर किसी भी बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है और आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में यहां पर कन्फ्यूज़न है कि मुझे अपना क्रेडिट कार्ड को बंद करना चाहिए या फिर नहीं, सो आज की ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कुल 5 फायदे होने वाले हैं, जिन फायदों को जान के आप यहां पर हैरान हो जाएंगे कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड आज से कुछ टाइम पहले यहां पर बंद कर देना चाहिए था। सो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग से जुड़ी वीडियो और गवर्नमेंट सेक्टर जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। अब दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने अपना YouTube चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है नमन अर्निंग गुरुजी। उस YouTube चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट एंड अर्निंग की ट्रिक देता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके सभी क्वेश्चन के जवाब देता हूं। सो दोस्तों, अब हम यहां पर जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड को बंद करने के हमें यहां पर क्या फायदे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहां पर आपसे बात कर लेते हैं ऐसे 5 पॉइंटों के ऊपर, जिन पॉइंटों को ध्यान में रखकर आपको अपना क्रेडिट कार्ड जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारा जो यहां पर पहला पॉइंट है वो है, यहां पर जब भी आप अपना किसी भी बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आप यहां पर किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर शॉपिंग जरूर करते हैं, और आपका जो शॉपिंग आप करते हैं उसका बिल नेक्स्ट मंथ में यहां पर जनरेट होता है। लेकिन यहां पर काफी सारे भाई क्या करते हैं कि वो अपना बिल जमा करना भूल जाते हैं, तो जब वो अपना बिल टाइम से जमा नहीं करते हैं तो उन पर यहां पर बैंक की तरफ से काफी सारी लेट फीस लगा दी जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारा ये जो दूसरा पॉइंट निकल कर आता है वो है, यहां पर जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर शॉपिंग करते हैं तो वहां पर आपके ऊपर एक बिल यहां पर ड्यूस हो जाता है। सो काफी सारे भाई यहां पर क्या करते हैं कि वो यहां पर सोचते हैं कि मैं अपना अगर बिल को पे नहीं करूंगा तो क्रेडिट कार्ड कंपनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन दोस्तों, उन सभी भाइयों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब वो अपना बिल पे नहीं करते हैं तो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी आपकी सिविल स्कोर को खराब कर देती है, और जब आपका सिविल स्कोर एक बार खराब हो जाता है तो फिर आपको कोई भी गवर्नमेंट बैंक और कोई भी प्राइवेट बैंक किसी भी प्रकार का लोन नहीं देता है। सो अगर आप यहां पर भविष्य में लोन लेने भी जाएंगे तो बैंक आपको मना कर देगा कि आपकी सिविल रिपोर्ट खराब हो चुकी है, आपको यहां पर हमारे बैंक की तरफ से लोन नहीं मिलेगा। सो अगर आप यहां पर भविष्य में लोन लेना चाहते हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल टाइम टू टाइम उसका बिल पे करें, अन्यथा अगर आप बिल पे टाइम से नहीं करते हैं तो आपकी सिविल रिपोर्ट यहां पर खराब हो जाएगी और आपको यहां पर फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। अब हम यहां पर आपसे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों, जब भी आप यहां पर किसी भी बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो यहां पर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बैंक आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं देता है, जब आप यहां पर अपना क्रेडिट कार्ड बैंक के अंदर बनवाते हैं तो वहां पर आपसे बैंक उस क्रेडिट कार्ड के बदले एक एनुअल फीस यहां पर वसूलता है। दोस्तों, वो एनुअल फीस यहां पर 500 रुपए से 3000 रुपए तक होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड किस कैटेगरी का बना हुआ है। जैसे यहां पर SBI सिंपल सेव क्रेडिट कार्ड की 599 रुपए एनुअल फीस होती है। आपका अगर किसी भी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने अकॉर्डिंग गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की कितनी एनुअल फीस है। तो जब आप अपना क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपसे बैंक एनुअल फीस लेता है। सो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड को बंद कर देना चाहिए, यही आपके लिए काफी अच्छी बात यहां पर मानी जाएगी। दोस्तों, अब हम यहां पर आपसे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी भाई जब अपना क्रेडिट कार्ड यहां पर बनवाता है और वो उसका बिल टाइम से पे नहीं करता है तो उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड कंपनी काफी तगड़े तगड़े फाइन लगा देती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और जो पैसे वो यहां पर मेहनत से कमाता है उसके वो पैसे यहां पर टैक्सेस के रूप में, लेट फीस के रूप में और यहां पर एनुअल फीस के रूप में
क्रेडिट कार्ड कंपनी यहाँ पर हथिया लेती हैं। सो इसलिए अगर आप आपकी सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये या फिर आपकी 30,000 रुपये भी है, तो आपको अपनी सैलरी से ही अपनी यहाँ पर सेविंग को मैनेज करना चाहिए। यानी कि आपकी जो भी यहाँ पर स्पेंड करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर, आपको अपनी सेविंग से ही करने चाहिए इन हैंड कैश। आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी कमाए हुए पैसे को क्रेडिट कार्ड कंपनियों को देना होता है, जो आपके लिए काफी मुश्किल भरा होता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहां पर अपने कमाए पैसे को ही इस्तेमाल करें, आप यहां पर किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड ना लें अगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको आवश्यकता है तो आप यहां पर खुशी खुशी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अब हम यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। दोस्तों जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पर बनवाते हैं तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी फ्रॉड कॉल आनी भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप उन फ्रॉड कॉल से परेशान हो चुके हैं, वो आपसे बोलते हैं कि हम यहाँ पर बैंक के एम्प्लॉई बोल रहे हैं, या आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ब्लॉक होने वाला है, या आपने अभी तक भी अपने जो आपने ऑनलाइन शॉपिंग की थी उसका बिल पे नहीं किया है, तो आप इसका बिल पे कर दीजिए वरना आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, या फिर वो आपको क्रेडिट कार्ड के काफी सारे ऑफर्स भी बताते हैं कि आपने यहां जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रखी है उस ऑनलाइन शॉपिंग के बिल को हम यहां पर 50% माफ कर देंगे, आप हमें अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर बता दीजिए। तो काफी सारे भाई तो अपना नंबर बता देते हैं और उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, लेकिन आपको यहां पर बिल्कुल भी अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर और CVV नंबर किसी भी भाई को नहीं बताना है। अगर आप यहां पर अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर किसी भी दूसरे भाई को बताते हैं तो आपके साथ यहां पर ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। सो इसलिए दोस्तों अगर आप यहां पर बचना चाहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड बंद कर देना चाहिए, तो आपको यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आपका क्रेडिट कार्ड यहां पर बंद हो जाएगा तो आपके पास किसी भी प्रकार की कोई कॉल या किसी ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले व्यक्ति की कॉल भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप अपनी जरूरत के अनुसार अपना क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो मैंने आपको कुल यहां पर ऐसे 5 पॉइंट बताए हैं जिन पॉइंट को ध्यान में रखे आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा सकते हैं, आपको काफी सारे फायदे भी हो जाएंगे। सो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग से जुड़ी वीडियो और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।